पलामू जिले के पांकी में महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार बनाने के लिए दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इसने पत्थरबाजी व आगजनी का रूप धारण कर लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं दोनों ही पक्षों को पुलिस शांत करवाने में जुटी हुई है कि इसी बीच दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पांकी थाना की पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। हालात पर काबू पाने के लिए 100 से अधिक जवान तैनात है। तरहसी, पिपराटाड़, लेस्लीगंज समेत कई थाना की पुलिस पांकी पहुंची हुई है। जिले के एसपी समेत वरीय अधिकारी पांकी रवाना हो चुके हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पांकी में महाशिवरात्रि को लेकर तोरण द्वार बनाने को लेकर दो पक्षों के बीच मंगलवार से ही विवाद चल रहा था। अब उसी विवाद ने बुधवार को विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। उस पत्थरबाजी में अब तक 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद रोकने आए कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हर संभव प्रयास कर दोनों ही पक्षों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।